पहले आप सभी को धन्यवाद है, क्योंकि अफवाहों का बाजार है और मीडिया में एक तरह तरह की बात फैलाई जा रही है सूत्र के हवाले से। यह सूत्र कोई और नहीं, हमारे विरोधी हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरा कोई बंगलो है, तो पता नहीं वहाँ क्या है। तो मैं ये प्रेस आप लोग के समक्ष इसलिए आई हूँ क्योंकि ये अफवाहों का बाजार, देखिए मानसिक रूप से प्रताड़ना तो कई चीज़ों से हो ही रहा है, और ये जो अफवाहों का बाजार है उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसलिए वैसे मीडिया बंधु से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर दे रहे हैं, ये सूत्र हमारे विरोधी हैं, उसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे मानसिक प्रताड़ना होता है। और मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है, जिसका टाइम टू टाइम मेरे सैलरी से कटता रहता है पैसा। तो ये चीज है, और पृथ्वी में मेरा कोई भी चीज कहीं भी मिल गया, ये मतलब मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा उसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई एक इंच कोई चीज और नहीं, सिर्फ मेरे गाड़ी के सिवा। ये है जो जब्ती करके जो ईडी ले गए हैं, वो एक डिस्क्रिप्शन बना के हमें रिसीव कराए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। कई लोग कितना है संख्या मेरे पास से, मेरे घर से, मेरे कहीं से भी, कहीं भी कोई नगद बरामद नहीं हुआ है। कुछ पैसा था मेरा 1300-1400, उसको छोड़ दिए, वो लोग नहीं लेके गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, आप लोग देख लीजिए ऑफिस जाके, और वहाँ पे भी कहीं पे भी जाके ऑफिस जाके देख लीजिए। अब ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है, वो अपना जांच कर रही है, उनके जांच में हर संभव हम लोग उनको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, कॉपरेट करेंगे, हम लोग न्याय का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, और हम लोग कानून के पालक होंगे। हमारे ऑफिस से भी जितना मैं जनता से जुड़ा हुआ जितना भी फाइल था जिससे मैं जनता से कनेक्ट करती थी, वो सारा फाइल ले गए ऑफिस में। जितने भी आवेदन थे लोगों के, जितने भी आवेदन थे जो अपडेटेड रहता था कि क्या कहाँ क्या क्या हुआ है या कहाँ क्या होना है या किसका क्या समस्या है, किसका कितना सारा राहत मेडिकल इश्यूज को लेके हम लोग तो लेटर लेके थे, जो भी बहुत सारे ऐसा चीज था जो ले गए। खैर वो जो ले गए हैं, मुंबई तक मेरी बहन तक भी पहुंचने का कोशिश किया गया। अब उसे वहां से रेंट से निकालने का वहां पे बोला जा रहा है, छोड़ दो ये जगह, वो तो वहां पे रेंट में पीजी में रहती है, ग्रेजुएशन कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, साथ में अपना कुछ स्टार्टअप देख रही है, और बहुत छोटी है, मेरे से 6-7 साल की छोटी है। तो वो भी रोते रोते कॉल किए। हम लोग मानसिक प्रताड़ना से ऑब्वियसली मतलब हम लोग गुजर रहे हैं, तो आप लोग से बस यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी तरह का अफवाह ना उड़ाएं। आप हमसे जो भी मांगेंगे, जहां का भी सीजर लिस्ट मांगेंगे, जहां का भी क्या क्या सीजर किया है, हम आपको एक ये एविडेंट है, ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करने के लिए तैयार है, इसका आप लोग पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर से ना ही कोई वैसे संदिग्ध चीज़ कोई मिली है, ना ही कोई वैसा कोई कैश बरामद हुआ है। अफवाह ये भी उड़ाया जा रहा है कि सीओ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि हमने और मेरे पिताजी ने ये जो जमीन का जो ये जो जमीन विवाद वाला मामला में जो मुझे आप लोग कई लोग हाईलाइट किए थे कि जमीन हड़पने का मामला, उसमें ये सीओ ने ही हम लोगों को फंसाने का काम किया, एसडीओ के बोले, और
और इस पे जब हम लोग सख्त हुए कि कहाँ पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये लोग बैकफुट में आए। और आप लोग खुद जानते हैं कि एसडीओ इस जिला में किस तरह से काम कर रहे थे, वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, डीसी से भी ज्यादा पावर रखने का उनका पावर था, और वो उनको संरक्षण उतना सीएसडीओ। तो ये सारा चीज आप लोग भी जानते हैं, इसलिए मेरा नाम किसी भ्रष्ट ऑफिसर के साथ ना जोड़े। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। जो भी जनता का काम अगर नहीं होता या जो भी होता, तो उस पर हमेशा लड़ते रहे। इन सब चीजों को लेके हम सोचे कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप लोगों को स्पष्ट करें कि मेरे नाम से अगर कहीं भी पृथ्वी में कुछ और मिल जाए, मेरा गाड़ी छोड़ दे। जो गाड़ी मेरे को फिनांस किया गया है विधानसभा से और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पर हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं अपना चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर रही हूँ, ताकि ये अफवाहों का बाजार उड़ा के, क्योंकि चुनाव